जय माता दी फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों को इस मकान में आए हुए 18 साल हो गए। जब हम लोग इस मकान में आए थे पूरा ग्राउंड खाली था। 18 साल में देखिए फ्रेंड्स, पूरी कॉलोनी, पूरी सोसाइटी कितनी अच्छे तरीके से डेवलप हो चुकी है। सुबह सुबह का मेरा फेवरेट प्रोग्राम राशि देखना, पहले न्यूज़पेपर में देखते थे, अब टीवी में देखती हूँ। चलिए फ्रेंड्स, आज हम अपनी किचन में बनाएंगे पंजाबी दाल, माँ छोले की दाल। इसको हमने कुकर में नमक और 2 चम्मच सरसों का तेल डाल के बॉईल होने के लिए रख दिया है। अभी इसको हमने रात भर से भिगो के रखा था, तो ये 2-3 सीटी में बॉईल हो जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, जब तक दाल बॉईल हो रही है तब तक हम नहा धो के अपनी पूजा पाठ कर लेते हैं। सिम पे रख दिया, ये दाल बॉईल होती रहेगी। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आगे से ये पंजाबी दाल कैसे बनती है, आगे इसका पूरा तरीका आपको बताऊँगी। वाली में आया तेरे द्वार, हाँ हूँ मेरी भी सुन ले पुकार। माँ तू ते रख दिए सब दिया इज्जत, बेड़ी मेरी भी लगा दे हूँ पार। माँ चलो देखते हैं, कुकर खोल के हमारी दाल बॉईल हो चुकी है। अब हम इसका तड़का तैयार करेंगे। मैं आपको बताती हूँ इसका तड़का कैसे हम लोग लगाते हैं, हमारी रेसिपी। देखिए मैंने तेल गरम कर लिया है और ये सिर्फ अदरक लहसुन का पेस्ट है, क्योंकि प्याज मैंने बॉईल होते ही डाल दिए थे उसमें, बॉईल होते मैं दाल में डाल दिए थे। ये अदरक लहसुन का पेस्ट अब मैं सेक रही हूँ। ये पेस्ट सेक चुका है, इसमें मैंने सारे मसाले मिक्स कर लिए हैं। इसमें हम टमाटर नहीं डालेंगे क्योंकि ये दाल थोड़ी सी मीठी अच्छी लगती है, इसमें मीठापन अच्छा लगता है। तो अब मैं डालूँगी इसमें 2 चम्मच मलाई। ये सारे मसालों के साथ में अदरक लहसुन नमक मिर्ची सारे मसालों के साथ में 2 चम्मच मलाई डाल के मैं इसको अच्छे से भूनूंगी। ये जब मसाला अच्छे से भुन जाएगा फिर इसमें दाल मिक्स करूंगी। और जब पंजाबी लोग इसको खाते हैं तब इसमें ऊपर से और घी मिक्स करके खाते हैं। पहले के ज़माने में ये लोग, पहले में ये वाली दाल बिना उसके बनती थी, बिना कुकर में सीटी लगाए चूल्हे पे बनती रहती थी हांडी में धीरे 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 धीरे, बट उसका जो टेस्ट आता था ना वो टेस्ट आज कुकर वाली दाल में नहीं आता। फ्रेंड्स आप भी एक बार ट्राई ज़रूर करें। चलिए फ्रेंड्स, अब वक्त हो गया है अपने मन की बात करने का। आज अपने मन की बात में मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपना पर्सनल ट्रेवल का एक्सपीरियंस, जो कि शिमला का है। आज हम बात करेंगे शिमला में तारा देवी मंदिर की। शिमला का तारा देवी मंदिर जो शिमला से 11 किलोमीटर दूर शोघी के पास पड़ता है, वहाँ पर बहुत सुंदर तारा देवी माता का मंदिर है। कहा जाता है कि तारा देवी माता की जो प्रतिमा है वो बंगाल से लाई गई थी। तारा देवी माता की प्रतिमा जब बंगाल से लाए थे तो वो लकड़ी की थी, उस लकड़ी की मूर्ति को यहाँ पर स्थापित किया था। उसके बाद काफ़ी वर्षों के बाद एक राजा ने इसका निर्माण करवाया मंदिर का पूरी तरीके से, तो फिर इसे अष्ट धातु की मूर्ति में बदल दिया, तो अब वहाँ पे अष्ट धातु की मूर्ति है। और तारा देवी मंदिर शिमला की बहुत ऊंची पहाड़ी पे है, वहाँ से जाके आप पूरे शिमला के मनोरम दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। और थोड़ा सा आगे चलने पर थोड़ा सा दूर उसी पहाड़ी पर दूधाधारी माता का भी मंदिर है, वहाँ पर भगवान भोलेनाथ की भी है शिव पंचायत भी, और दूधाधारी माता का भी मंदिर है। तो आज मैं आपको अपने साथ ले चलूँगी शिमला के तारा देवी मंदिर में, जहाँ मैं आपको अपने पर्सनल कुछ एक्सपीरियंस भी बताऊँगी। और वहाँ जाने के लिए सबसे अच्छा साधन है शिमला की टॉय ट्रेन, क्योंकि अगर आप शिमला गए हैं और टॉय ट्रेन में ना बैठें ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि टॉय ट्रेन का अगर मज़ा नहीं लिया तो फिर आपका शिमला जाना ही बेकार है। तो आज मैं आपको लेके चलती हूँ टॉय ट्रेन से शिमला। तो चलते हैं अपन शिमला के रेलवे स्टेशन। तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं शिमला कालका टॉय ट्रेन रेलवे स्टेशन पे। देखिए कितना खूबसूरत यहाँ से व्यू दिख रहा है, इतना सुंदर व्यू जिसे देखने के लिए लोग यहाँ आते हैं। फ्रेंड्स अभी हम लोग आ गए हैं समर हिल रेलवे स्टेशन टॉय ट्रेन से। आगे हमें तारा देवी जाना है, लेकिन यहाँ लैंडस्लाइड होने की वजह से हमारी ट्रेन रुकी हुई है। सभी यात्री मौसम का आनंद ले रहे हैं।
लैंडस्लाइड होने की वजह से हम लोगों की ट्रेन को वहीं रोक दिया गया था। अब उसके बाद स्टेशन मास्टर भी क्लियर पोजीशन नहीं बता पा रहे थे कि ट्रेन आगे का लैंडस्लाइड कब ठीक होगा, रास्ता कब साफ़ होगा, रेलवे ट्रैक पे जो मलबा आ गया है वो कब हटेगा। तो स्टेशन मास्टर का कहना था कि 2 घंटे भी लग सकते हैं और 4 घंटे भी लग सकते हैं। तो हम सभी यात्रियों ने सोचा कि चलो अब हम थोड़ा सा ऊपर चल के, एक चौक था वहाँ, चौक से बस मिलती थी, बस और गाड़ियाँ। तो हम लोग उस चौक पे पहुँचे और वहाँ चौक से हमने ट्रेवलर गाड़ी ली। ट्रेवलर गाड़ी में बैठ के हम लोग पहुँच गए तारा देवी मंदिर। आगे का तारा देवी का मैं आपको फिर से अपनी आँखों देखी बताती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं तारा देवी मंदिर। यहाँ पर देखिए कितना कोहरा हो रखा है, पूरे में चारों तरफ कोहरा है मंदिर में। मंदिर के अंदर की वीडियो लेना बिल्कुल मना है, इसलिए मैं आपको अंदर के दर्शन नहीं करा पा रही। देखिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छा मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर है। ये हिमाचल में शिमला में देवी की मान्यता बहुत है, यहाँ काफ़ी लोग आते हैं। जय माता दी। आप सबने देखा मंदिर कितना सुंदर और कितना भव्य, लकड़ी की वहाँ पे ऊपर जो काम, जो लकड़ी की कलाकारी जो की गई है वो देखते ही बनती है। ऐसा लगता है कि बस वहीं जाके रम जाएं, वापस आने का तो मन ही नहीं करता। इतना सुंदर मंदिर, और वहाँ पर जो लंगर हॉल है वहाँ पर, उसमें लंगर होता है, वहाँ पे लंगर का जो खाना होता है, वहाँ पर एक मीठी बूंदी की सब्ज़ी मिलती है, इतनी टेस्टी होती है वो। वहाँ पे दाल चावल और एक मीठी बूंदी की सब्ज़ी होती है, एक कढ़ी होती है, ऐसे करके आपको 3 सब्जियाँ चावल लंगर में मिलती है, जो इतना स्वादिष्ट होता है कि हम उसका स्वाद कभी भूल ही नहीं सकते। तो शिमला का जो ये तारा देवी मंदिर का जो मेरा एक्सपीरियंस था पर्सनल, वो मैंने आप लोगों को बताया। मुझे वहाँ बहुत मज़ा आया, वहाँ से सच बताऊँ तो वापस आने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। आप लोगों को भी कभी मौका लगे शिमला जाने का तो शोगी में तारा देवी के मंदिर ज़रूर होके आए, और टॉय ट्रेन का मज़ा ज़रूर लें, क्योंकि टॉय ट्रेन में नहीं बैठे तो समझ लो आपने शिमला नहीं देखा। अगर आपको इसके बारे में कुछ पता हो तो मुझे बताएं, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोपहर के 4 बजे हैं और आज का मौसम देखिए, आंधी तूफान और बारिश, मज़ेदार मौसम, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। बादल देखिए फ्रेंड्स, कितने घने काले।